बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद गुरलीस फैमिली। प्यारे दोस्तों, आज आपको बनाना सिखा रही हूँ स्ट्रॉबेरी कुल्फी। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सस्ते तरीके से आप घर में बहुत ही आसानी से स्ट्रॉबेरी कुल्फी किस तरीके से बना सकते हैं, ये आज आप मुकम्मल इस वीडियो में सीखेंगे। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जी मैंने एक देगची जो है उसे चूल्हे पे रखा हुआ है। इसमें मैं 1 लीटर दूध जो है शामिल कर दूंगी। मेरे पास फ्रीज दूध है। दूध जो है आपने फुल फैट मिल्क लेना है और इसके बाद जी है फ्लेम जो है मीडियम हाई करके इसको रख रही हूँ और अच्छे से गाढ़ा होने तक इसको पकाऊंगी। जब तक कि गाढ़ा हो रहा है, जो इसमें बाकी चीज़ें शामिल करनी है उनको इंट्रोड्यूस सबको करवाती हूँ। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 1/2 kg, आधा किलो मतलब मैंने स्ट्रॉबेरी ली है, उसके ऊपर से पत्ता उतार के उसको अच्छे से धो लिया है। इसके अलावा मैं 1 कप इसमें शुगर शामिल कर रही हूँ और उसके अलावा मैंने 1/4 कप जो है शुगर सिरप लिया है वो इसमें शामिल करूँगी। रेसिपी को मुकम्मल देखना है, कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना है। सबसे पहले हम करेंगे कुछ यूँ कि एक जग ले लेंगे ब्लेंडर का और उसमें जी स्ट्रॉबेरी शामिल करेंगे। इसके बाद उसमें चीनी शामिल कर देंगे जितनी मिकदार में हमने ली है और जो शुगर सिरप लिया है 1/4 कप वो भी इसमें शामिल कर देंगे। पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब जी इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद इसका अब जी हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। पानी का इस्तेमाल मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। आप देख सकते हैं कि मैं ब्लेंडर में इसका जो है पेस्ट तैयार कर चुकी हूँ। बहुत अच्छी सा गाढ़ा सा जी आप देख सकते हैं कि पेस्ट तैयार हुआ। इसका एक साइड पे कर देंगे और जो नेक्स्ट प्रोसीजर उसकी तरफ हो लेंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि चूल्हे पर जो मैंने दूध रखा था, अब उसको हम जी मुसलसल चम्मच चलाते हुए गाढ़ा कर लेंगे। गाढ़ा इतना करेंगे कि तकरीबन दूध का 1 हिस्सा ख़त्म हो जाएगा और 3 हिस्से दूध तकरीबन रह जाएगा और थोड़ा थोड़ा सा इसका कलर जो है वो भी येलो हो जाएगा। इतना दूध को पकाएंगे, अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे ताकि आपकी कुल्फी अच्छे से तैयार हो। अब जी दूध तकरीबन आप देख सकते हैं कि 1 हिस्सा ख़त्म हो चुका है। चूल्हा बंद करके इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा कर लेने के बाद जो है हम दूध को जो है जो हमने स्ट्रॉबेरी का जो सिरप तैयार किया था उसके अंदर शामिल करेंगे। कोशिश करनी कि आपने दूध को अच्छे से ठंडा कर लेना है, इसको गर्म नहीं रखना। इसके सारा शामिल कर देंगे और उसके बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट जो है इसको अच्छे से दोबारा ब्लेंड कर लेंगे ताकि बहुत ही अच्छे से एक जान हो जाए स्ट्रॉबेरी सिरप और इसके अलावा मिल्क। बहुत ही प्यारा सा गाढ़ा सा इसका जो है एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि पेस्ट जो हमारा गाढ़ा सा तैयार हो चुका है। अब जो लास्ट स्टेप हमारा करना बाकी है फूड कलर। फूड कलर इसमें हम रेड शामिल करेंगे। तकरीबन 2 चुटकी इसके अंदर हम फूड कलर शामिल करेंगे। इसका बहुत ही खूबसूरत जो कलर है वो आएगा। कलर जो है बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इसमें मैं 2 चुटकी ही सिर्फ फूड कलर शामिल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि 1 चुटकी पहले शामिल किया और 1 चुटकी बाद में। उसके बाद कुल्फी के लिए कोई से भी आप मोल्ड्स ले लें जो आपके घर में अवेलेबल हैं। उनकी तो मेरे पास ये मौजूद है इसलिए मैं इसमें बना रही हूँ। इनके ढक्कन उतार लेंगे और उसके बाद सिर्फ 1 मिनट में इसको वॉश कर लेंगे ताकि कोई से भी इसके अंदर डस्ट पार्टिकल अगर तो हैं तो वो या ना रहे और हमारी साफ सुथरी खूबसूरत सी कुल्फियाँ बनकर तैयार हों। आप देख सकते हैं कि मैं इनको हल्का सा वॉश कर चुकी हूँ। अब जी इसके अंदर जो हम लोगों ने आइसक्रीम का बैटर तैयार किया है वो एक कोन ले लेंगे और उसकी मदद से बहुत ही आसानी से बहुत ही झटपट तरीके से हम सारा जो है शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कलर भी इनका बहुत खूबसूरत आ रहा है। टोटल इसको शामिल कर देने के बाद दोबारा से इसके ढक्कन जो ऊपर लगा देंगे और इसको ओवरनाइट छोड़ देंगे। ओवरनाइट छोड़ने के बाद बहुत ही अच्छे से ये फ्रीज़ हो जाएंगी और इसके बाद स्ट्रॉबेरी की जो कुल्फी है बिल्कुल बनकर तैयार होगी। एक तो मैंने ये मोल्ड्स में शामिल कर लिया है और अगर आप मोल्ड्स में शामिल नहीं करना चाहते तो फिर आप दूसरे तरीके से भी अपनी जो है कुल्फी तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देख लेंगे इसके फाइनल लुक कैसी आई है। मैं इसको जी फ्रीजर में रखने जा रही हूँ और उसके बाद आप एक कोई सा भी बॉक्स ले लें। उस बॉक्स के अंदर जैसे देखिए ये मैंने ले लिया है और उसके अंदर जी शामिल कर देने के बाद इसके ऊपर प्लास्टिक पेपर से जो रैप कर देंगे ये बहुत ज़रूरी है। इसको रैप कर देंगे और उसके बाद इसको हल्का सा साथ प्रेस करेंगे और ढक्कन लगा कर साइड्स के जो एक्स्ट्रा बैग है उसको कट कर लेंगे और इसको भी जी फ्रीज़र में रख देंगे और ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि मैं इसको रख चुकी हूँ। इसको नीचे वाले जगह पे प्लेस किया है और एक जो इसको ऊपर रख दिया है। ओवरनाइट छोड़ देने के बाद फाइनल लुक आप देख सकते हैं कि जी हमारी कुल्फियाँ जो है बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो चुकी हैं। हल्का सा इसको मॉइस्चर आने देंगे, थोड़ा सा अगर कोशिश करें तो पानी भी डालें ताकि कुल्फी निकालना बहुत आसान हो जाए। आप देख सकते हैं कितने ईजीली हमारी कुल्फी और खूबसूरत मज़ेदार सी बिल्कुल बनकर तैयार है। इसको जी फाइनल डिश आउट करके लुक दिखाते हैं कि इसकी कैसी आई है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त ही हमारी स्ट्रॉबेरी कुल्फियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। बच्चे खाने में बहुत ही पसंद करते हैं। मेरी बेटी खुद पर्सनली इसको खाने में बहुत पसंद करती है और उसकी फरमाइश पर ही मैंने ये रेसिपी जो है रिकॉर्ड की है। उसने मुझे कहा है कि जी मैंने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खानी है तो मैंने उनको कुल्फियाँ बनाकर दी और बहुत ही मज़े से उन्होंने इन्जॉय किया। आप देख सकते हैं कि जो हमारा बॉक्स है वो भी अच्छे से फ्रीज़ हो चुका है और इसको जी अब अनरैप करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से फ्रीज़ हुआ है और जब इसको थोड़ा सा जी प्लास्टिक वगैरह उतार देने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इस तरीके से छोड़ देंगे ताकि थोड़े से इसके किनारे छूट जाएँ।
उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि इसको हम डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद थोड़ा सा कट कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी स्ट्रॉबेरी कुल्फियाँ बिल्कुल बनकर तैयार है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ऑल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरी तमाम नई रेसिपीज़ जो हैं वो देख सकें। आप देख सकते हैं कि कितने इजीली इसको हम तोड़कर खा सकते हैं और इसकी जो टेक्सचर है वो बहुत ही डिलीशियस है। ये मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ, इसका टेक्स्चर देखें, बिल्कुल बाजारी कुल्फी जो होती है वैसा आया है। आप इसको इन्जॉय करें। अल्लाह हाफिज़।